देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान से खोल दिए हैं नल खुले कहीं, हम देखे जैसे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुके सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। हेलो गाइस, आई एम कवलजीत अगेन। आप सोच रहे होंगे कि आप ये शुरू में ही गाना क्यों गा रहा है। दिस इज द थीम ऑफ द टुडेज वीडियो गाइस। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हैं, तो आज मैं एक छोटा सा क्लिप लेके आया हूँ जो कि हमारा स्ट्रेस बस्टर के ऊपर है। हम कैसे अपने स्ट्रेस को बर्स्ट कर सकते हैं गाइज। हमारे डे टू डे रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें स्ट्रेस को बढ़ाती रहती हैं, हमारा मतलब माइंड को पजल करती रहती हैं। हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें। स्टूडेंट लाइफ में भी, अडल्ट लाइफ में भी, और इवन एल्डरली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा स्टक रहती हैं। तो गाइज कैसे कैसे उन चीज़ों से हम आज़ाद हों, तो गाइज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं फिर से आया हूँ। होप आपको पसंद आई, और हो सकता है कि सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर अपनी लाइफ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज हेयर इज बोर्ड विच इज शोइंग यू दैट व्हाट आई डू व्हेन आई वांट टू फील गुड। सो गाइज आप देख सकते हैं इस बोर्ड में हाउ टू फील गुड कुछ स्टेप्स मैंने दिए हैं जो कि थोड़े से कई बार सिली भी हैं, कुछ मज़ेदार भी हैं। तो फर्स्ट स्टेप है गाइस, फाइंड आउट द रीज़न। हम जो स्ट्रेस में हैं, जिस रीज़न से हैं, उसका रीज़न पता लगाएं, क्या रीज़न है। हो सकता है कि हमारा ओवरवर्क हमारा रीज़न हो सकता है कि हम कुछ चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो बहुत टाइम से, वो हमारा रीज़न हो। तो फाइंड आउट द रीज़न, उसके बाद जब रीज़न पता लग गया, या फिर नहीं भी पता लगा, हमें कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी पता लगता, डोंट सिट आइडल। अब उसको चर्न नहीं करना है, बार 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 उसी के बारे में सोचना नहीं है। स्टॉप देयर एंड डू समथिंग आउट ऑफ द स्ट्रेस। उसको स्ट्रेस को बाहर आने के लिए लाफ एटलीस्ट 2 मिनट्स, 1 या 2 मिनट। फ्रेंड्स यू कैन स्माइल, यू कैन जस्ट लाफ, यू कैन जस्ट डू एनीथिंग, बट इट शुड बी अ सिली थिंग, राइट? एंड डांस विदाउट रीजन, जैसे अभी मैं डांस कर रहा था, यू कैन डांस इट टू। आप कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं, बट डांस तो डांस होता है गाइज, राइट? एवरी वन लाइक्स। अगर किसी को नहीं भी पसंद तो थोड़ा सा कर सकता है। टेक सेल्फीज विद फुलिश फेसेस। कुछ फुलिश फेसेस होते हैं, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, मतलब जो भी, जिससे हम सिली दिखें, ऐसी सेल्फीज लेके और खुद पर ही हंसना। लाइक जस्ट लाइट इट डाउन, बर्डन को लाइट डाउन करना है। सिंग अ सॉन्ग, जैसे कोई भी सॉन्ग, अभी मैंने एक सॉन्ग गाया, इसी टाइप का कोई भी सॉन्ग जो आपको पसंद आए और एकदम चीयरफुल बना दे। क्लैप विद नॉइस, जोर जोर से तालियां मारना जैसे हम बचपन में मारते थे। जस्ट ट्राई इट आउट, सीरियसली यू विल फील गुड। ड्रेस अप नाइसली विदाउट रीजन। कई लोगों को कपड़े पहनना और सज धज के रहने में बहुत फील गुड आता है, स्पेशली गर्ल्स को, आई होप यू नो। तो अच्छी सी ड्रेस पहन के अपने आप को, मतलब विदाउट रीजन, कहीं जाना नहीं है हमें, लेकिन फिर भी अच्छी सी ड्रेस हमने पहन ली, अगर आपके पास टाइम है दैट फ्रेंड्स, तभी, वरना नहीं। और इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। टेक अ कोल्ड शॉवर, एक ठंडे पानी की शॉवर हमारे माइंड की सारे स्ट्रेस को इमिजिएटली बर्न आउट कर देती है, तो दिस इज अ गुड रीजन। ट्राई डूइंग अ थिंग विच यू लव डूइंग इन चाइल्डहुड। हम बचपन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत पसंद थी, बट हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, या फिर हम करते भी थे लेकिन हम अब भूल गए। कंचे खेलते थे, या कोई स्टापू खेलते थे, या बेफिजूल में किसी को परेशान करते थे, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी जो हमें चाइल्डहुड में बहुत पसंद था। हमारी कोई प्रेज करता था, हमें बड़ा पसंद आता था, खुद को प्रेज करें। इस टाइप से बहुत सी सिली सिली चीजें जो हैं गाइस, ये है स्ट्रेस बस्टर।
आपके स्ट्रेस को बर्स्ट करेगा इमीडिएटली, एंड आई गारंटी इनमें से एक आध चीज तो आपको स्ट्रेस को बर्स्ट जरूर करेगी गाइज। तो गाइज जस्ट ट्राई इट आउट एटलीस्ट वंस, ओके। और स्ट्रेस तो गाइज सबकी जिंदगी में है, मेरी में भी है, आपकी में भी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट डोंट वरी गाइज, इट्स लाइफ, इट्स अ लॉन्ग साइज लाइफ। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो और इंजॉय करना सीखो। अपने कंधों पे पूरी दुनिया के बोझ को लेकर मत रहो, जस्ट लाइट अप समटाइम्स। ओके गाइज, ये मेरा आज का वीडियो, एंड होप यू लाइक इट। Kindly share and subscribe my channel. Take care. Bye.